IPL में जगह जगह से बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं। कोई वेस्ट इंडीज़ से आता है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आता है, कोई इंग्लैंड से आता है, और कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो कोई बहुत बुरी परफॉर्मेंस देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2008 से लेकर 2020 तक किसने ऑरेंज कैप जीती है और कितने रन बनाए हैं। 2008 में सबसे ज़्यादा रन पंजाब किंग्स के एक खिलाड़ी शॉन मार्श ने बनाए थे। शॉन मार्श ने उस सीज़न 616 रन बनाए थे और उस सीज़न शॉन मार्श का एवरेज था 68.44 का और स्ट्राइक रेट था 138.68 का। उस सीज़न में शॉन मार्श ने पहला शतक भी लगाया था अपने आईपीएल करियर का और 5 अर्धशतक भी लगाए थे। उन्होंने 11 मैच खेले थे। 2009 में CSK के मैथ्यू हेडन को मिला था ये अवार्ड। CSK के मैथ्यू हेडन ने 12 मैच में 572 रन बनाए थे 52 के एवरेज से। स्ट्राइक रेट उनका था 144.81 का। सेंचुरी उन्होंने नहीं लगाई लेकिन 5 हाफ सेंचुरी लगाई थी। 2010 में सचिन तेंदुलकर ने जीता था ऑरेंज कैप मुंबई इंडियंस की तरफ से। सचिन तेंदुलकर पहले भारतीय खिलाड़ी बने ऑरेंज कैप जीतने वाले और वो कप्तान भी थे उस सीज़न। उन्होंने मुंबई इंडियंस को फाइनल तक पहुंचाया था। उस सीज़न सचिन तेंदुलकर ने 15 मैच में 618 रन बनाए थे। एवरेज उनका था 47.53 का। स्ट्राइक रेट उनका था 132.61 का और उस सीज़न सचिन तेंदुलकर ने 5 अर्धशतक लगाए थे। 2011 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाड़ी क्रिस गेल ने ये अवार्ड जीता था। क्रिस गेल T20 के बादशाह हैं। इनको यूनिवर्स बॉस भी कहा जाता है। इन्होंने 12 मैच में 608 रन बनाए थे और इनका एवरेज था 67.55 का और स्ट्राइक रेट था 183.13 का। उन्होंने 2 शतक और 3 अर्धशतक भी बनाए थे। 2012 में भी ऑरेंज कैप विनर क्रिस गेल ही थे। क्रिस गेल ने RCB की तरफ से 15 मैच में 773 रन बनाए। एवरेज था 61.08 का। स्ट्राइक रेट था 160.74 का। 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल थे। 2013 में CSK के माइकल हसी ने ऑरेंज कैप जीता था। 17 मैच में 733 रन, एवरेज 52 का, स्ट्राइक रेट 129.5 का और 6 अर्धशतक उस सीज़न माइकल हसी ने लगाए थे। 2014 में ऑरेंज कैप विनर थे कोलकाता के रॉबिन उतप्पा। रॉबिन उतप्पा ने उस साल अच्छी प्रदर्शन से KKR को चैंपियन भी बनवाया था। रॉबिन उतप्पा ने 16 मैच में 660 रन बनाए थे, 44 का एवरेज था, 137.78 का स्ट्राइक रेट था और उस सीज़न में रॉबिन उतप्पा ने 5 हाफ सेंचुरी भी लगाई थी। 2015 में डेविड वार्नर ने ऑरेंज कैप जीता था। डेविड वार्नर ने 14 मैच में 562 रन बनाए थे 43.23 के एवरेज के साथ और स्ट्राइक रेट भी उनका 156.54 का था और 7 हाफ सेंचुरी भी वार्नर ने उस सीज़न लगाई थी। 2016 में IPL में ऑरेंज कैप विराट कोहली ने जीती थी। विराट कोहली ने RCB की तरफ से 16 मैच में 973 रन बनाए थे, उनका एवरेज 81.08 का था। उस सीज़न कोहली ने 4 शतक और 7 अर्धशतक भी लगाए थे। कोहली ने एक सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। 2017 में डेविड वार्नर ने हैदराबाद की तरफ से ये अवार्ड जीता था। 14 मैच में 641 रन बनाए 58 के औसत से, स्ट्राइक रेट उनका 141.81 का था। इस सीज़न में डेविड वार्नर ने 4 हाफ सेंचुरी लगाई, वहीं डेविड वार्नर ने 1 सेंचुरी भी लगाई थी। 2018 में ये ऑरेंज कैप केन विलियमसन के पास गई। केन विलियमसन ने हैदराबाद की तरफ से 17 मैच में 735 रन बनाए, औसत उनका 52.5 का था, स्ट्राइक रेट उनकी 142.44 की थी। सेंचुरी तो उन्होंने नहीं लगाई लेकिन हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई थी। 2019 के IPL में ऑरेंज कैप डेविड वार्नर ने जीती। डेविड वार्नर ने इस बार तीसरी बार ऑरेंज कैप जीती और IPL सीजन में सबसे ज़्यादा बार ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी बने। डेविड वार्नर ने 12 मैच में 692 रन बनाए, एवरेज उनका 69.2 का था, स्ट्राइक रेट उनकी 143.86 की थी। डेविड वार्नर ने इस सीज़न 1 शतक भी जड़ा था और 8 अर्धशतक भी जड़े थे।
आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप केएल राहुल के साथ गई थी। केएल राहुल की टीम उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन केएल राहुल का प्रदर्शन टॉप क्लास था। केएल राहुल ने 14 मैच में 670 रन बनाए थे 55.83 के औसत से। स्ट्राइक रेट उनका 129.34 का था। उन्होंने एक सेंचुरी लगाई थी और 5 हाफ सेंचुरी लगाई थी। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।